अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रबूहाज विजन। आज ऐसे ही शाम को बैठे बैठे प्लान बन गया। मैं अपनी एक फ्रेंड को ड्रॉप करने जा रही थी तो मैंने कहा चलो पहले यहाँ का एक चक्कर लगा कर आते हैं, लाहौर ऑर्गेनिक विलेज। तो वैसे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रीज़, प्लांट्स, बर्ड्स सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो है मेरा ख्याल है कि हमने टाइम थोड़ा सा गलत चूज़ कर लिया था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और इस तरह की लाइट्स जो थी वो फिर भी आपको अंधेरे में वो चीज़ें आप इंजॉय नहीं कर सकते थे। फिर भी जितना एक घंटे में जल्दी जल्दी से इंजॉय हो सका वो किया। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगें। बड़ा वो जैसे कहते हैं ना देसी सा माहौल बनाया हुआ उन्होंने, बड़ा अच्छा खुली सी जगह और बड़ी अच्छी चीज़ें। कुछ भी मेरा देसी खाने पर मूड नहीं था। रेस्टोरेंट भी है काफ़ी बड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने खाना खाया हुआ था और हमारा प्लान ही नहीं था कि इस तरह से कुछ जाके कुछ खाना खाना है। मुझे यही था कि जल्दी से हम फिर कर आ जाएंगे, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अंधेरे की वजह से मैं आगे गई नहीं, और दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो बस थोड़ा बहुत खाया पिया, कुल्फ़ी खा ली, और फलूदा मुझे बहुत पसंद है लेकिन बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, इतना ज़्यादा जामेशीरी था, मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन ट्राई किया, भाभी को भी पसंद नहीं आया। ऐम ही मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स ली, और मैंने कब आए हैं तो पिक्चर्स ज़रा फ़ोटोशूट वगैरह करवा ले। बाकी अच्छी, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सर्दियों में आप इस जो ओपन एयर है इसको ज़्यादा इन्जॉय करोगे। बाकी यह है कि बहुत अच्छी एफर्ट है, इस तरह की चीज़ें बड़ी कम हो गई हुई अब तो। मुझे तो बहुत इन्जॉय किया, दिन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और पार्किंग का इनका बड़ा अच्छा सारा इंतज़ाम है। फिर एंड पे हमने मिंट मार्गरीटा पिया, एंजॉय किया। होप यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल।